डिजिटल और स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से जैन धर्म की शिक्षा और संस्कार का नया कंसेप्ट तैयार किया गया है। इसमें स्कूल्स की तरह ही क्लासेस लगाकर बच्चों और युवाओं को पढ़ाया जा रहा है। दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन द्वारा 6 दिवसीय शिविर का समापन 29 मई को होने जा रहा है। इससे पूर्व बच्चों ने शिविर में क्या सीखा इसकी परीक्षा लेकर उन्हें प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। जैन धर्म की शिक्षा और संस्कार के लिए शिविर तो पहले भी लगते रहे हैं, लेकिन उज्जैन में पहली बार बड़े स्तर पर इस तरह का आयोजन किया गया है। इसमें डिजिटल और स्मार्ट क्लासेस का कंसेप्ट बनाया यूएस से आए प्रकाश छाबड़ा और उनकी पत्नी पूजा छाबड़ा ने। बच्चों एवं युवाओं के व्यक्तित्व विकास, मुनि राजों की वाणी को जन जन तक पहुंचाने, सदाचार, धर्म और सार्थक जीवन जीने की कला सिखाने के उद्देश्य से शिविर का आयोजन किया गया। इसमें सहयोगी के रूप में उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त टीचर्स स्मार्ट क्लास के माध्यम से बच्चों एवं युवाओं को जैन धर्म के संस्कार दे रहे हैं। ये आइडिया एक्चुअल में जो शिविर तो अनेक लगते थे तो शिविरों को मैं देखता था, लेकिन मैंने सोचा कि जो व्यवस्थित तरीके से शिविर लगना चाहिए उस तो वो उस व्यवस्थित तरीके से लगाने हेतु जो मैंने यूएस के अंदर जो कुछ भी टेक्नोलॉजिकल जो ज्ञान अर्जित किया था और जो मैनेजमेंट जो सीखा था वहाँ पर, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसी मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए और यहाँ पर हम अपने सिद्धांतों को नए तरीके से पढ़ाएं, ताकि बच्चों को वो बोझिल भी नहीं लगे, उन्हें लगे कि हम कोई मॉडर्न चीज़ सीख रहे हैं, लेकिन प्रिंसिपल्स हमारे सिखाए जाए। हमारे जो हिंदुस्तान की धरती में जो बड़े बड़े एक से एक जैन दर्शन और अन्य जो दर्शन हुए हैं, तो उनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। उससे पूरे विश्व का आज भी कल्याण हो सकता है। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सिद्धांत ऐसे हैं जो सारी यदि दुनिया अपनाए तो आज सुखी हो सकती है। मैंने नया पाठ्यक्रम तैयार किया, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाए, क्लासेस रूम में प्रोजेक्टर लगाए, साथ ही जो कुछ भी लाने ले जाने की व्यवस्था थी उसका पूरा रजिस्ट्रेशन वगैरह के माध्यम से व्यवस्थित किया, ताकि सबका रजिस्ट्रेशन हो। जो गाड़ियां वगैरह होती है तो उसमें हम GPRS वगैरह जो फ़ोन के अंदर जैसे व्हाट्सएप पे अपनी लोकेशन शेयर करते हैं, ताकि माँ बाप को इस दिक्कत नहीं हो कि भाई उनका बच्चा कहाँ है। यहाँ आते ही जो है हम अटेंडेंस वगैरह बार कोड से करने की कोशिश करते हैं और साथ में SMS भेज देते हैं कि आपका बच्चा यहाँ। ये जो शिविर हमारी लगती है उज्जैन में लगी हुई है, ऐसी शिविरों की परंपरा पूरे भारतवर्ष में ग्रीष्मकाल में चलती है। ये शिविर के सिलसिले चलते हैं, इनका केवल एक ही उद्देश्य रहता है, वो है संस्कार। आज के समय पर अगर आप देखें तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, ये बड़े होकर कल भारत के नागरिक बनने वाले हैं। कोई जैन है, कोई सिख है, हर धर्म के अपने अलग अलग बच्चे हैं। इन बच्चों का, जैसे आज हमने इतने बड़े बड़े मंदिर बनवा दिए हैं, भवन बनवा दिए हैं, ये सब बनवा दिए हैं, आज हम संभाल रहे हैं, कल के दिन किसको संभालना है? कल के दिन इन्हीं बच्चों को संभालना है। तो ये बच्चे अगर आज संस्कारित नहीं होंगे तो इन भवनों को कौन संभालेगा? इसीलिए मूल प्रयास यही रहता है कि इस उम्र में, इस कच्ची उम्र में, कच्चे घड़े में अगर इनको धर्म के संस्कार दे दिए जाएं, तो जब ये पकें, जब ये बच्चे बड़े हों, तो इन आयतनों को, धर्मायतनों को संभालने के लिए, इन धर्मों की वृद्धि करने के लिए, इन आयतनों की, धर्म मंदिरों की वृद्धि करने के लिए ये बच्चे प्रिपेयर हो सकें। आपने इस शिविर में देखा होगा छोटे छोटे से बच्चे भी आते हैं और बड़े बड़े लोग भी यहाँ पे आते हैं। वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो जैन हैं ये तो वो जानते हैं, मगर जैन की विशेषता क्या है वो सब यहाँ पर हम बताते हैं कि आप जैन हैं तो क्या खाना, क्या नहीं खाना, कैसे रहना, कैसे बात करना, इन हर एक नैतिक शिक्षा से उनको भी अवगत कराया जाता है। जैसे कि जैन है तो उसकी क्या एक स्पेशलिटी है, क्या हमारे भगवान ने कहा है कि भाई पानी छान के पीना, रोज मंदिर जाना, आलू प्याज नहीं खाना, इनमें भी जीव होते हैं। सब जानते हैं कि जैन धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जो अहिंसा पर बहुत ज़्यादा बल देता है, तो उस पानी में भी जीव होते हैं, उस पानी को हमें कब तक छानना, कितनी उसकी मर्यादा बनाने के लिए उस पानी में हमें क्या डालना, इन सभी चीज़ों से हम अवगत कराते हैं। ये एकमात्र शिविर ही हमारे पास एक माध्यम ऐसा बचता है जिसमें हम बहुत ज़्यादा लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। इसमें हम बच्चों को सुबह सुबह से सबसे पहले पूजन कैसे करना, पूजन में कौन कौन से द्रव्य हैं वो सिखाते हैं, पूजन के द्रव्य सिखाते हैं, पूजन कैसे करनी है वो सिखाते हैं। कुछ पूजनों की लय अलग होती है, छंद अलग होते हैं, उन छंदों के बारे में बताते हैं, उन लयों के बारे में बताते हैं। बच्चों को यहीं पर पूजन के बाद में पहले नाश्ता दे दिया जाता है, फिर क्लासेस होती हैं, दो क्लास में दो अलग अलग टीचर आते हैं। हम लोगों का मतलब प्रयास ये रहता है कि बच्चों को गा के पढ़ाएं, क्योंकि संगीत जो होता है वो दिल को छूता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा यही होता है कि हम लोग गा के पढ़ाते हैं, अच्छी अच्छी
पोएम्स जो हैं, कविताएं जो हैं, जैन धर्म की जो कविताएं हैं, संस्कार की जो कविताएं हैं, वो कविताएं बच्चों को पढ़ाते हैं, तो बच्चे आनंद से पढ़ते भी हैं। और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट, बच्चे जुड़े कैसे, जुड़ते कैसे हैं, उनको थोड़ा तो हमें लोभ देना पड़ता है, और वो लोभ होता है गिफ्ट का। मैं यहाँ की व्यवस्था पूरी जो मैनेजमेंट है उसको देख रही हूँ, तो यहाँ पर जो हमारी व्यवस्था है, मैं उसमें महासमिति, महिला परिषद, हमारा सोशल ग्रुप, उज्जैन में जितने भी 6 सोशल ग्रुप हैं वो सारे जैन युवक संगठन, सारे ही लोग लगे हुए हैं और व्यवस्था को अच्छा सुचारू रूप से रूप दे रहे हैं। और इस व्यवस्था के लिए करीब हम 1 महीने से तैयारी कर रहे हैं, सभी को काम बांट रहे हैं, और मुझे लगता है कि हमारी व्यवस्था में बहुत सुधार भी है और बहुत अच्छी चल रही है। ये बच्चों के जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांत को बच्चे समझ सकें, जीवन जीने की कला वो सीख सकें, वो आगे चल के इन फ्यूचर किसी भी फील्ड में जाते हैं तो उनको हमारे, यदि उनको बेस मिल गया तो वो कहीं पे भी जाके भ्रमित नहीं होंगे, उनको जो जीवन सुख है वो कैसे आता है वो उनको पता चल जाएगा। 29 तारीख को जो संडे है, रविवार है, उस दिन इस कार्यक्रम का समापन होगा। उसके एक दिन पहले जो यहाँ बच्चे शिक्षण शिविर में है उनकी एक आध्यात्म की परीक्षा होगी, लिखित में परीक्षा होगी, मौखिक में परीक्षा होगी, फिर हम उनको सर्टिफिकेट भी देंगे इस चीज़ के लिए कि उन्होंने ये परीक्षा उत्तीर्ण की। और उसके बाद जब 29 तारीख को सुबह एक विशाल अहिंसा शाकाहार रैली निकलेगी जिसमें शिविर के सभी बच्चे उसमें भाग लेंगे और शाकाहार के लिए चेतना स्वरूप आगे बढ़ते हुए उनको शाकाहार के नारों को हम यहाँ पर पूरे जो जुलूस का मार्ग रहेगा उसमें उद्बोधित करेंगे। हमने ये बच्चों का और युवाओं का शिविर लगाया है। बच्चों को तो रिक्वायरमेंट है ही कि वो सीखें, बचपन में सीख जाएंगे तो और अच्छा रहेगा। आज की युवा पीढ़ी भी ऐसी हो गई है कि उनने बचपनों में सीखा ही नहीं है, तो हम युवा पीढ़ी को भी बेसिक से सिखाते हैं, उनको भी नमोकार मंत्र से हम बात समझाना चालू करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। आप यहाँ पे क्या क्या सीख रहे हैं? यहाँ पर जो 24 तीर्थंकर के द्वारा हमें जो उपदेश दिए गए हैं जैन धर्म की बातें और जिन भगवान ने जो हमें बताया है वो सब सीखा है। आई एम गुड फीलिंग, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं क्या सीखा अभी तक आपने? अभी तक हम पाप सीखा, सदाचार सीखा, कषाय सीखी। यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, धर्म के बारे में नई नई चीज़ें सीखने को मिली। इस शिविर में हमें बहुत ही लाभदायक चीज़ें सुनने को मिलती है। पंडित छाबड़ा जी और उनकी जो पूरी टीम है हमें बहुत नया नया सिखाती है और बहुत दुनिया में कैसे हमें रहना चाहिए, सब धार्मिक के साथ बाहर की भी सारी गतिविधियों के लिए हमें प्रेरित करती हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बॉम्बे में जॉब करता था और मुझे पता चला कि यहाँ पे शिविर लगा हुआ है, तो मैं ये शिविर अटेंड करने आया हूँ। मेरे को इस शिविर में आके बहुत अच्छा लग रहा है। मैं हमेशा से जैन धर्म को फॉलो करता था और वो काफ़ी पसंद है धर्म की पढ़ाई, इसलिए मैं इधर, मेरे को बहुत अच्छा लगता है आपके। शिविर में बहुत ही अच्छा आनंद आ रहा है और यहाँ पे जो बच्चों को अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी जा रही है उसमें बड़ा लाभ मिल रहा है, जिसे बच्चों को जो नहीं आता था, जैसे बचपन में जो हमें नॉर्मल बच्चों को बात करना नहीं आती है, एक दूसरे से व्यवहारिक करना नहीं आता है, वे सब चीज़ें यहाँ पे सिखाई जा रही है।